हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ए एंड द, ये आपके आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये संज्ञा से पहले आते हैं। दे आर रियली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये प्रदर्शनकारी विशेषण होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन इज कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज वैन वी डू नॉट स्पीक ऑफ एनी पर्टिकुलर और डेफिनेट पर्सन और थिंग, फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है बच्चों, कि जैसे ए एन, ये दोनों जो आर्टिकल है वहां यूज होते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर चीज की, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अ डॉक्टर, अ डॉक्टर यानी कि एक डॉक्टर, वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी हॉस्पिटल का नाम मेंशन नहीं किया है, किस चीज का डॉक्टर है ये भी मेंशन नहीं किया है, यानी कि अ डॉक्टर। तो इट मींस इसमें कोई भी पर्सन या थिंग मेंशन नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। डेफिनेट आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो द होता है, क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात होती है। जैसे ही सॉ द डॉक्टर, मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर। ही सॉ द डॉक्टर यानी कि मैंने उस डॉक्टर को देखा, मैंने डॉक्टर को देखा, तो यानी कि वो जानता होगा उस डॉक्टर को, एक डेफिनेट बात हो गई ना। तो ही सॉ द डॉक्टर आपका डेफिनेट आर्टिकल, तो इसमें द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल हो गया। अब आपको हम बताएंगे यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स, कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कैसे होता है। ए एंड एन आर, ए एंड एन आर नोन एज इनडेफिनिट आर्टिकल्स एज दे डू नॉट इंडिकेट एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउंस। तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि जो ए और एन होता है इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर थिंग मेंशन नहीं की जाती, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब किसी पर्सन के बारे में नहीं बताया जाता है। और ये सिंगुलर नाउंस में यूज होते हैं, जैसे ही हैज बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। शी हैज अ ब्लैक फ्रॉक, उसके पास एक काली फ्रॉक है। तरुण गेव मी एन ऑरेंज, दिस इज एन एग। अब एन क्यों आया, एन का क्या सिस्टम है, तो ये भी नीचे बताया जाएगा। दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन अम्ब्रेला। ही एट अ बनाना एंड एन ऑरेंज। यू विल नोटिस दैट ए इज यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन that begin with a consonant, while n is used before a countable noun that begin with a vowel a, e, i, o or u. अब आपने notice किया होगा कि a जो है countable noun है, वो कोई भी consonant से पहले आ रहा है। देखो p क्या होता है, हमारा consonant होता है, तो ये आपका a आया यहाँ पे, ठीक है ना। b क्या है, consonant है, तो उससे पहले भी a आया, लेकिन a, e, i, o, u ये हमारे क्या है, ये vowels है, तो इनसे पहले n आएगा। An orange, an egg, ठीक है ना। Read the following sentences carefully. Mr. Sharma is an MP, ठीक है। Please wait for an hour. क्यों आया? अब आप कहोगे इसमें तो ए ही आई हुई, में से कोई सा भी वाउल नहीं है, तो यहाँ पे एन क्यों आया? वो इसलिए आया कि जब आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं MP, तो आपकी ए की साउंड पहले आ रही है, तो इसलिए एन का यूज हुआ। वेट फॉर एन आवर, अब आप कहोगे इसमें तो एच है, तो एन क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि जब आप एच को, इसको प्रोनाउंस करेंगे आवर, तो इसमें ओ, आपकी ओ की साउंड आएगी। प्लीज वेट फॉर एन आवर। एन एम्प्लॉय वियर्स अ यूनिफॉर्म, अब आप कहोगे इसमें तो यू है, तो ए क्यों आया? क्योंकि जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो इसमें आपको अलग प्रोनाउंसिएशन होगी। एन एम्प्लॉय वियर्स अ यूनिफॉर्म, ही इज यूरोपियन। मोहित इज अ 10 रुपी नोट। रवि इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो इस तरह आप ये समझ गए होंगे कि आपने ये चीज तो ध्यान रखनी है कि वॉवल्स आए तभी आप एन का यूज करेंगे, लेकिन वॉवल्स की साउंड भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने वॉवल देखा और आपने एन लिख दिया, ऐसे नहीं होगा। आपने वॉवल की साउंड भी देखनी है। अब यूरोपियन है, ठीक है, यहाँ पे एन यूरोपियन नहीं आया क्योंकि इसमें साउंड अलग आ रही है, ठीक है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वही चीज बताई गई जो मैंने आपको बताया। द वॉवल यू इन द वर्ड्स यूरोपियन एंड यूनिफॉर्म साउंड्स सिमिलर टू द वर्ड यू। सिमिलरली द कॉन्सोनेंट एच इज अ साइलेंट वर्ड आवर विच इज प्रोनाउंस जस्ट लाइक अवर।
क्योंकि आवर में क्या है, एच तो है लेकिन इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो आवर की आ रही है, ओ की आ रही है. एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एम इन एम पी बिगिंस विद ए. मैंने बताया आपको कि एम की जो प्रोनाउंसिएशन आ रही है वो ए से स्टार्ट हुई है. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, वोवल्स हैं तो आप एन लगाएंगे लेकिन वोवल्स की प्रोनाउंसिएशन क्या आ रही है वो भी आप देखेंगे. ठीक है, अब हम कुछ डेफिनेट आर्टिकल्स के यूज पढ़ते हैं. द इज नन एज द डेफिनेट आर्टिकल एज इट इंडिकेट अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. द इज यूज व्हेन द सेंटेंस टॉक्स अबाउट समथिंग डेफिनेट. वो यही कह रहा है कि जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के लिए यूज होगा. और इसमें क्या देखना है कि द इज यूज व्हेन द सेंटेंस टॉक्स अबाउट समथिंग डेफिनेट. जब हम किसी डेफिनेट की बात कर रहे हो तभी द का यूज होगा. जैसे अनिल इज गोइंग टू सी द डॉक्टर. अनिल डॉक्टर को दिखाने के लिए गया तो वो डॉक्टर को जानता होगा, तब उसको दिखाने गया. क्रिकेट इज द गेम दैट इज लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स. इंडिया वॉन द मैच. ठीक है ना, किसी बात पे एक ये डेफिनेट है कि इंडिया वॉन द मैच. द ऑरेंजेस आर ऑन द टेबल. जो ऑरेंजेस हैं वो टेबल पर है. किस पर है? टेबल पर है. एक जगह पे है ये तो ये पता चल रहा है. शुड आई गो टू द स्टेडियम. द बॉय इन येलो ट्राउजर्स इज माई ब्रदर. ठीक है बच्चों, ये इसके एग्जाम्पल्स है, ये आप रीड करना. ही इज द वाइजेस्ट मेंबर इन द फैमिली. अब आप कहोगे वाइजेस्ट में द क्यों लगा. एक चीज और है कि जब द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, उसमें डिग्रीज होती है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव. तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है. ये सारे उसी के एग्जाम्पल है. द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ द काइंड. द क्या होता है? किसी भी यूनिक थिंग, यानी कि जो यूनिवर्स यूनिक है, जो ट्रुथ है ही है, उसके बारे में भी द का यूज होता है. द स्काई लुक्स ब्लू ड्यूरिंग अ डे. द स्काई, आसमान नीला दिख रहा है इन दोनों, तो वो तो दिखे नीला होता ही है. ठीक है ना. द यूनिवर्स इज सेट टू बी एक्सपेंडिंग ऑल द टाइम. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. आपको पता ही है सन हमें गर्मी देता है, लाइट देता है. द मून इज कूल, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. द यूज बिफोर द नेम ऑफ ओशियन, सीज, रिवर्स, कैनाल्स एंड माउंटेन रेंजेस. कभी भी आपके किसी ओशियन का नाम आए, सी, रिवर या कैनाल्स या माउंटेन रेंजेस का नाम आए, तो भी आप द का यूज करते हैं. द अटलांटिक ओशियन, द रेड सी. ठीक है ना. द अल्प्स, द हिमालयस, द गोदावरी, द सूज कैनाल, द गंगा, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल. द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स. हमारी जो होली बुक्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके आगे भी द लगता है. द गीता, भागवत गीता होती है ना हिंदुओं की. द बाइबल, द कुरान. द इज यूज बिफोर द. तो बच्चों आज हम यहां तक पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी. थैंक यू.